हिंद महासागर के गोद में बसा छोटा सा देश है मॉरिशियस, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है। एक आदर्श देश जहां आप देख सकते हैं हरी भरी वादियां, ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच के टकराती हुई समुद्री लहरें, सफेद समुद्री तट और लहलहाते हुए नीले रंग के पानी का एक शानदार नजारा। प्रकृति के सुंदर नजारों, सुकून देने वाली शांति और यहाँ के दिलचस्प लोगों की वजह से मॉरिशियस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में से एक बन गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं मॉरिशियस को, जिसे देखने के बाद आप भी वहां जरूर जाना चाहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। पोर्ट लुइस मॉरिशियस की राजधानी शहर है। हिंद महासागर के तट पर स्थित ये देश का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख बंदरगाह भी है। यह मॉरिशियस का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहाँ लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये देश इतना छोटा है कि इसकी लंबाई सिर्फ 45 किलोमीटर और चौड़ाई 47 किलोमीटर है। मॉरिशियस एक ऐसा देश है जहां भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसे आप परदेश का भारत भी कह सकते हैं। 18वीं सदी में गन्ने की खेती के लिए मॉरिशियस के भारतीय मजदूरों की वजह से इस देश का भारत से गहरा नाता रहा है। यहाँ की करीब आधी आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, जिसके चलते भारत के साथ इसके कारोबारी रिश्ते मजबूत रहे हैं। मॉरिशियस एकमात्र अफ्रीकन देश है जहाँ के 50% लोग हिंदू हैं। अगर आप कभी मॉरिशियस घूमने जाएं, तो आपको दिख जाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के खेत, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत, केरल के बरसाती गांवों जैसे गांव के परिदृश्य और बिहार के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते लोग। मॉरिशियस का प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। मोती के समान सुंदर तथा सफेद मॉरिशियस के चारों तरफ 100 मील का समुद्री तट और मीलों तक फैली रुपहली रेत ही इसका मुख्य आकर्षण है। यहाँ के समुद्र तट पर रेत इतनी सफेद है कि आप इसे बर्फ समझने की गलती कर बैठेंगे। मॉरिशियस के नक्शे में बहुत सारी लुभावनी जगहें हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, काले पानी का नदी, झरनों वाला गांव कार्मेल, लावनिल नेचर पार्क, पैम्पल मोसिस बोटानिकल गार्डन, ली ऑक्स सॉफ्ट आदि आकर्षक पर्यटन स्थल है। प्रकृति ने इस टापू को इतना खूबसूरत बना दिया कि दुनिया के हर कोने से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की साफ सुथरी सड़कें तथा यातायात व्यवस्था भी सैलानियों का मन मोह लेती है। सेवन कलर्ड अर्थ मॉरिशियस के सबसे फेमस आकर्षणों में से एक है, जिसमें 7 अलग अलग रंग के रेत के टीले हैं। समुद्री खेलों के शौकीन खिलाड़ियों के लिए मॉरिशियस सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि साल भर यहाँ का मौसम खेलों के लिए बेहतरीन बना रहता है। यहाँ आप लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं, डाइविंग जैसे एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं, या वन्य जीवों की तलाश में वर्षावन में भी घूम सकते हैं। मॉरिशियस में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा क्रियोल है, पर ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं। यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रूपी, और एक मॉरिशियन रूपी करीब 2 भारतीय रुपए के बराबर है। मॉरिशियस को एक धनी देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ का अधिकतर पैसा टूरिज्म से आता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक, वित्तीय और पर्यटन क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि पूरे मॉरिशियस में किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता। दोस्तों, क्या आप कभी मॉरिशियस घूमने गए हो? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।